जोहार जमशेदपुर, इस वक्त हमारी मौजूदगी जमशेदपुर के काशीडीह पूजा पंडाल में है और आप यहां से तमाम तैयारियों को देख सकते हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है और इसी के साथ साथ आज नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आप अगर तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे तो ये काशीडीह का मैदान है और इस मैदान में पूरी तैयारी अभी चल रही है, एक प्रॉपर मेला और कैसे लोग आकर इस पंडाल में घूम सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, मेले का भी आयोजन। और ये पूरी सड़क काशीडीह मैदान के बाहर में, पूरी सड़क पर नए नए स्टॉल्स लगाए गए हैं और नई नई चीज़ें आपको, दर्शनीय चीज़ें देखने को मिलेगी। खासकर ये पूजा पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है और निर्भय सिंह जो कि पूजा कमेटी के लोग हैं, मेंबर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जाकर और बताएंगे कि किस थीम पर ये पंडाल है, क्या कुछ अलग है। हालांकि मुझे मालूम चला कि ये अलग प्रकार का थीम होगा इस पंडाल का और इस पंडाल को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ा करती है। जमशेदपुर के साथ साथ अगल बगल के लोग, ग्रामीण लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, गांव देहात के लोग भी, क्योंकि एक दर्शनीय होता है और अलग प्रकार का होता है। और इस बार माना यह जा रहा है कि हर साल से अलग इस बार का पूजा पंडाल होगा, अलग थीम पर ये पंडाल बनाया जा रहा है। हालांकि ये सस्पेंस बरकरार है कि क्या थीम होगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग जो थी उस प्लानिंग के तहत अब कुछ चेंजेस हुआ है इसमें और अब देखना होगा कि क्या कुछ थीम रहता है इस पंडाल का। और चलिए हम आपको अंदर चलकर भी दिखाते हैं कि किस तरह से तैयारियां पूरी चल रही है इस पंडाल निर्माण को लेकर। और आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर में लगभग मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में पूजा पंडाल बन रहे हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर। एक दर्शनीय और अलग प्रकार की खूबसूरत थीम के माध्यम से और एक अलग झांकी आपको देखने को मिलती है हर साल इस तरह के पूजा पंडालों में। तो जमशेदपुर का सिद्धगुड़ा पूजा पंडाल हो, काशीडीह का ये पूजा पंडाल है, इसके अलावा आदित्यपुर का पूजा पंडाल है, तो अलग अपने आप में वो छाप उसकी रहती है, हर साल एक अलग सुर्खियाँ बटोरता है। और इस बार ये काशीडीह का पूजा पंडाल, ये भी अपने आप में एक अनोखा देखने को लग रहा मिल रहा है और ये एक अलग तस्वीर और इसकी खूबसूरती की अगर बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक अलग थीम में इसको बनाया जा रहा है और इसी को लेकर हम आपको तैयारियां यहां पर दिखा रहे हैं। पूरे जोर शोर से यहां पर तैयारी चल रही है और तैयारियों में अगर आप देखेंगे तो तमाम जो स्ट्रक्चर्स है, तमाम जो तस्वीरें हैं यहां पर एक डमी के माध्यम से लगाई गई है और बाहर से अंदर तक अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अलग जो हर साल जो तस्वीर देखने को मिलती है, जो पंडाल की रूपरेखा बाहर से अंदर तक रहती है, इस बार कुछ अलग प्रकार की तस्वीर और अलग थीम के तहत इस पंडाल को तैयार किया जा रहा है। हालांकि सस्पेंस बना हुआ है कि क्या कुछ थीम रहेगा इसका, क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर। हमारे साथ निर्भय सिंह जो कि पूजा पंडाल पूजा कमेटी के हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है। सर, सबसे पहले अभी जी, निर्भय जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार, सस्पेंस बरकरार है, अभी तक खुलकर मालूम नहीं चल पाया कि किस तरह की थीम, क्या थीम के तहत पंडाल की तैयारी है। सबसे पहले तो मैं शारदीय नवरात्रि का आज प्रथम दिन है, सभी दुर्गा भक्तों को, माताओं बहनों एवं भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ बधाई देता हूं कि इस साल अच्छे से पूजा मने और आपके परिवार सौहार्दपूर्वक शांति ढंग से इस शहर का नाम को आगे करे। ऐसा है कि पंडाल तो अनेक साल विभिन्न तरह के बनता है, लेकिन काशीडीह में इस बार थीम बच्चों को लेकर के बन रहा है। यह एक काल्पनिक एक सोच है कि जो प्राचीन मंदिर जैसे हुआ करता था, बन का पर्यावरण को लेकर के हमारे जो पूरे जीव जंतु आज पर्यावरण के चलते इस विकास के नाम से जो विनाश हो रहा है, तो आज पूरे लोग चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर के, कि क्योंकि जग में प्राणी तो सब ढंग के होते हैं, केवल मानव जाति ही इस पृथ्वी में नहीं है, सभी का अधिकार है। तो इसके माध्यम से यह दर्शाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वन में पूरे लोग विचरण कर रहे हैं, वो लोग भी चिंतित है, माँ दुर्गा का आराधना कर रहे हैं कि हे माँ, हमको इस जीवन और इस जग में हम लोग को भी बचाया जाए, और वो लोग भी अपना आराध्य कर रहे हैं। इसी भावना को लेकर के हमने
प्रकाशन के माध्यम से लोगों को जनजागृत के माध्यम से अब बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज जीव जंतु को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। और जिस तरह पूरे वर्ल्ड में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे प्राणी के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या कुछ तैयारी है अभी और कितना काम अभी बचा हुआ? देखिए, तैयारी भी तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, तैयारी हो जाएगा, अभी कुछ काम प्रगति पर है। और यह उद्घाटन परसों होने जा रहा है, इसके उद्घाटन बाबूलाल मारांडी जी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कर कमलों द्वारा होना निश्चित हुआ है। ये पंडाल का दृश्य है, बाहर का क्या दृश्य होगा? मेला वगैरह का भी कुछ आयोजन नहीं? देख, मेला जो हर साल लगता है, जो आपको कोई नया चीज़ नहीं है, वैसे ब्रेक डांस में झूला है, बिजली झूला है, उसके बाद ऑटो पॉक्स है, रनिंग ट्रेन है, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे चीज़ है झूला, उसके बाद महिलाओं के लिए खरीदारी के लिए जो भी उनका संसाधन होता है, जो उनका प्रतिदिन का जो जीवनचर्या होता है, वो सब भी हम लोग अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है, खाने पीने के भी स्टॉल लगा हुआ है। तो परसों से मतलब परसों शाम 6 बजे से इस पूजा पंडाल का पट खुलेगा, और जो भी काम अगर नहीं भी हुआ है तो काम एक दो दिन के अंदर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और सभी से पुनः मैं अपील करता हूँ कि काशीडी का जो आप मेला घूमने से आने से पहले अपने लोगों को बताने का प्रयास करें कि इतनी भीड़ जहाँ होती है वहाँ बच्चों को ख्याल रखें, क्योंकि आपकी पूंजी आपकी परिवार है, और परिवार अगर कुछ दुख होता है तो सारा लोग डिस्टर्ब होते, यहाँ तक कि समाज भी डिस्टर्ब होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू तमाम जानकारी को लेते हुए। ये निर्भय सिंह थे, इनसे हम बात कर रहे थे और सभी प्रकार की जानकारी हम दे रहे थे। इस बार का थीम अलग है और ग्लोबल वार्मिंग, जो पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंता पूरे विश्व भर में है, और पेड़ पौधे आप कटते हुए देखते हैं, जानवरों की चिंता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो भी एक जानवर है, उनके अंदर भी जान होती है। तो इंसान और मनुष्य जिस प्रकार से जीते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, तो इनकी भी चिंता और इसके भी बचाव के लिए, रखरखाव के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी थीम के तहत, इसी पैटर्न पर ये पूजा पंडाल, दर्शनीय पूजा पंडाल होने वाला है। आप देख सकते हैं तमाम जीव जंतु की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, जो आकर्षक भी है इस बार, और ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक रहेगी और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इससे आकर्षित हो सकते हैं, और इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा लगता है उमड़ेगी, क्योंकि एक अलग थीम, अलग कॉन्सेप्ट और एक बेहतरीन सोच के तहत इस पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। और पूरी तैयारी अभी आप देख रहे हैं, जो काम अभी तक चल रहे हैं यहाँ पर, तो एक अलग दर्शनीय यहाँ से दृश्य देखने को मिल रहा है, और सभी प्रकार की तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। माना जा रहा है कि परसों इसका द्वार खुलेगा और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इसका उद्घाटन करेंगे, यहाँ आएंगे। और इसी के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत भी आज से हो चुकी है, तो नवरात्र के साथ ही तमाम तरह की तैयारियों को लेकर जो हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि परसों उद्घाटन के बाद सभी चीज़ें प्रॉपर चालू कर दी जाएगी। जो मेला आप देख रहे हैं बाहर, कई सारे झूले वगैरह लगाए गए हैं, सड़कों पर भी कई सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, तो सभी चीज़ों के द्वार और सभी चीज़ों की शुरुआत आपको परसों के दिन से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक अनुरोध भी पूजा कमेटी के लोगों और निर्भय सिंह ने किया है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, और जो मान्यता है आपकी, जो ख्वाहिश है, उसके तहत आप आ रहे हैं, तो घूम फिर कर आप आराम से जाएं, और ध्यान रखें कि किसी तरह की हानि आपके बच्चों को ना हो, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है। तो ये एक अनुरोध पूजा कमेटी की ओर से की गई है, और आप अगर बाहर से देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहल कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता लोगों के अंदर आनी चाहिए, और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए ये एक अलग थीम, अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ काशीडी पूजा पंडाल के बाहर से हम दिखा रहे थे आपको और बता रहे थे। चलिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर लीजिएगा, हम आपसे मिलेंगे किसी और नए लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।